Hello guys, today we will discuss the nervous system in humans. Nervous system divided into two parts, CNS, central nervous system, and PNS, peripheral nervous system. In central nervous systems, brain and spinal cord aate hain. जिसका स्टडी हम करते हैं, बट इन PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स आते हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लाइक न्यूरॉन्स, एंड नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो जो टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यू नो डैट. उसमें मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में न्यूरोग्लिया होते हैं, सेल्स होते हैं जिसमें नर्व सेल्स होता है. न्यूरोग्लिया जो होता है, इट इज़ फ्लूइड फाउंड इन द नर्वस टिश्यू, हेल्प इन न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड हैविंग स्पेसिफिक सेल इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया सेल. न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, मेसोग्लिया या एस्ट्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, ऑलिगोडेंड्रोग्लिया, स्वान सेल. जो मेसोग्लिया होते हैं ये एक्ट एज न्यूट्रिशन एंड ब्लड ब्रेन बैरियर. मतलब कि ये जो ब्लड्स होते हैं ब्रेन में मतलब इंटर नहीं करने देते हैं, उसको बैरियर का काम करते हैं जो मेसोग्लियल सेल होते हैं. माइक्रोग्लियल फेगोसाइटिक सेल होता है लाइक मैक्रोफेज, ऑलिगोडेंड्रोग्लियल एंड स्वान सेल ये जो होते हैं हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड सिंथेसाइजिंग द माइलिन शीथ. माइलिन शीथ आप जानते हो ये कवरिंग होता है आप एग्जान का, जो हमारे इम्पल्स को कंडक्शन में मदद करते हैं, मतलब कि ट्रांसफर में मदद करते हैं. अब नर्व सेल जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर जान लीजिए. यही आपका न्यूरॉन जो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, साइटॉन जिसे हम सेल बॉडी बोलते हैं, एग्जान एंड डेंड्रॉन. साइटॉन जो होता है सेल बॉडी, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, माइटोकांड्रिया होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट, एंड इसका जो बेस रीजन होता है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन. निसल ग्रेन्यूल्स स्पेकुलर स्ट्रक्चर होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, हिलोक जो एग्जान एंड साइटॉन जॉइंटेड होता है वहाँ हिलोक बोलते हैं उसे, एक्जोलेमा एग्जान का बाहरी लेयर, एक्जोप्लाज्म एग्जान का जो अंदर का मटेरियल होता है जो प्लान बोलते हैं, स्वान सेल ऊपर का जो माइलिन शीथ होता है उससे. उसके बाद में टीलोडेंड्रॉन ये होता है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक बटन, जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करता है. नोब इसे बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिवर जो होता है यहीं से आपका इम्पल्स का जनरेशन होता है, नोड ऑफ रेनिवर से ये पार्ट, ये जो बीच का रीजन होता है इसे हम नोड ऑफ रेनिवर बोलते हैं. अब जो निचल स्क्रीनुल्स होते हैं, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर. यहाँ पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है निसल ग्रेनुल्स पे जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं इजीली. अब देख लीजिए जो नर्व सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड. माइलिनेटेड मतलब जिसके एग्जान जो होता है उसके बाहरी लेयर पे माइलिन शीथ होता है, कवरिंग होता है, जो हमारे इम्पल्स को बहुत तेज़ी से कंडक्ट करते हैं,
मतलब ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन नर्व सेल टू नेक्स्ट नर्व सेल। सो माइलिन शीथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व सेल टू अदर। दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड के पास माइलिन शीथ नहीं होता है, जिससे इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है बहुत ही स्लो होता है। अब देख लीजिए, इनवर्टिब्रेट्स न्यूरॉन्स आर नॉन माइलिनेटेड। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नॉन माइलिनेटेड होता है नर्व सेल, बट इन वर्टिब्रेट्स में जो होते हैं माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड बोथ टाइप न्यूरॉन्स आर फाउंड। वर्टिब्रेट्स में दोनों टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दोनों। माइलिन शीथ फाउंड एज कंसेंट्रिक लेयर ऑन द एक्सॉन। कंसेंट्रिक का मतलब जानते हो, जैसे कि यहाँ से यहाँ पर हुआ, फिर बीच में गैप होगा रोना ब्रेनिवर, फिर यहीं से यहाँ तक, इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक। अगर कंटिन्यूस होता तो यहीं से लेकर पूरा टोटल यहाँ तक होता है, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूस। तो कंसेंट्रिक फॉर्म में पाया जाता है माइलिन शीथ। केमिकली माइलिन शीथ इज मेकअप ऑफ लिपोप्रोटीन एंड स्फिंगोलिपिड्स का बना होता है जो माइलिन शीथ होता है। एंड इलेक्ट्रिकली माइलिन शीथ एक्ट एज इंसुलेटर का काम करता है, ये बचाता है मतलब इंसुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है। नर्व सेल हैविंग फ्लॉक शेप कॉल्ड साइटन, और उसे हम पुरकुंजे सेल भी बोलते हैं साइटन को, फाउंड इन द सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मेनली फाइव टाइप के होते हैं। ए पोलर, इसमें कोई पोल्स नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया। यूनिपोलर, एक पोल होता है जैसे इम्ब्रियो में होता है, इम्ब्रियो का जो सेल्स होता है उसमें एक ही पोल होता है। स्यूडो यूनिपोलर, इसमें भी ये भी पाया जाता है कि इसमें डार्सल रूट ऑफ गैंगलियन। बाइपोलर रेटिना पाई, जैसे हम लोगों का हो गया ह्यूमंस का। मल्टीपोलर, इसमें कॉमन टाइप होता है, मल्टीपोल पाया जाता है, जैसे बाइपोलर ही हो गया, मल्टीपोलर ही हो गया, यूनिपोलर ही हो गया। इसको बोलते हैं स्यूडोपोलर, नॉट इसको बोलते हैं स्यूडोपोलर, इसको बोलते हैं यूनिपोलर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।